Hey guys, welcome to Fly High Academy. I am Pushpendra Dhakad. और इस वीडियो में आप देखेंगे, पिछले वीडियो हमने सीखा था फोनेटिक्स, तो इस वीडियो में आपको आप सीखेंगे मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन. तो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या होता है? द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन इज द क्वालिफिकेशन एंड इंटरेक्शन ऑफ द आर्टिकुलेटर स्पीच ऑर्गन सच एज टंग लिप्स एंड प्लेट्स व्हेन मेकिंग अ स्पीच राउंड. मीन्स क्या होता है, जब भी हम उच्चारण करते शब्द के उच्चारण जो होता है, तो जो हमारे बोलने वाले स्पीच ऑर्गन्स होते हैं, स्पीच ऑर्गन क्या होते हैं हमारे, टंग लिप्स एंड पैलेट्स. तालु जो होता है, तालु होते हैं उनमें किस तरह जो बोला है तो उनमें जिस तरह का उच्चारण करें, जो इंटरेक्शन और कॉन्फ्रे विन्यास जो होता है उसको कहा जाता है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन. तो ये आपके कितने टाइप्स के होते हैं तो मैं आपको बताता हूँ. आप देखेंगे पहला टाइप होता है आपका प्लोसिव. क्या होता है प्लोसिव? प्लोसिव में क्या होता है आपका अकम्प्लीट क्लोजर, अकम्प्लीट क्लोजर एंड अ सडन रिलीज. कंप्लीट क्लोजर एंड सडन रिलीज. सेकंड आप ये आपके होते हैं टोटल सिक्स. प्लोसिव आपके टोटल सिक्स होते हैं. सेकंड है आपका एफ्रिकेट. एफ्रिकेट इट इज आर्टिकुलेटेड बाय अ कंप्लीट क्लोजर एंड अ स्लो रिलीज. कंप्लीट क्लोजर एंड स्लो रिलीज ये आपके टोटल टू होते हैं. थर्ड होता है आपका नजल. इट इज आर्टिकुलेटेड बाय अ कंप्लीट क्लोजर. ये ओनली कंप्लीट क्लोजर है. ये आपके टोटल होते हैं थ्री. इसके बाद आपका आता है लेटरल. लेटरल इट इज आर्टिकुलेटेड बाय पार्शियल क्लोजर. इट इज आर्टिकुलेटेड बाय पार्शियल क्लोजर. ये आपके होते हैं टोटल वन. प्लोसिव प्लोसिव जो होता है ये कंप्लीट क्लोजर एंड अ सडन रिलीज. प्लोसिव जो होता है वह कंप्लीट कंप्लीट बिल्कुल पूरा क्लोज करते हैं और सडन रिलीज. जैसे पा पा टोटल ये पा जो होता है वो प्लोसिव में आता है पा. इसी तरह से आपका एफ्रिकेट ये आपका आर्टिकुलेट होता है कंप्लीट क्लोजर एंड स्लो रिलीज. कंप्लीट क्लोजर एंड स्लो रिलीज. नजल ये आपका होता है कंप्लीट क्लोजर वाली होता है. क्या होता है? कंप्लीट क्लोजर. इसके बाद आपका लेटरल जो होता है ये आपका पार्शियल क्लोजर होता है. पार्शियल. तो पांचवा आपका होता है फ्रिकेटिव. फ्रिकेटिव आपके नाइन होते हैं. इट इज एन आर्टिकुलेटेड आर्टिकुलेटेड बाय अ क्लोज. ये क्लोज से होता है आर्टिकुलेटेड. और ये आपके टोटल इट इज आर्टिकुलेटेड. इट इज आर्टिकुलेटेड बाय एन ओपन. ये ओपन आर्टिकुलेट होता है. इसको सेमी वोवेल्स भी कहा जाता है. ये आपके टोटल थ्री होते हैं. तो आपके फ्रिकेटिव कितने होते हैं? नाइन होते हैं. ये आपका क्लोज आर्टिकुलेट करते हैं. और ये आपके अप्रोक्सीमेट्स होता है. ये आपका अप्रोक्सीमेट्स जो होते हैं वो आपके ओपन आर्टिकुलेट करते हैं. ओपन आर्टिकुलेट. और इसमें आपका ये टोटल थ्री होते हैं और इनको सेमी वोवेल्स भी कहते हैं. ठीक है. हाँ तो फ्रेंड्स अब आते हैं इस पे. देखेंगे आपके प्लोसिव. प्लोसिव आपके टोटल कितने होते हैं? सिक्स होते हैं. प्लोसिव में क्या होता है आपका, किस तरह से आर्टिकुलेशन होता है आपका? इसमें आपका आर्टिकुलेशन होता है कंप्लीट क्लोजर और सडन रिलीज. कंप्लीट क्लोजर और सडन रिलीज. जैसे आप बोलिए पा पा पा. अब अपना हाथ रख के देखेंगे यहाँ पे. देखें पा तो देखें इसका कंप्लीट क्लोजर होता है, सडन रिलीज होता है एकदम. जैसे पा पा ये पा ब ब. इस तरह से आपके ये टोटल प्लोसिव होते हैं छः. फिर आपका क्या आता है, इसके बाद आता है एफ्रिकेट पे. एफ्रिकेट आपके टोटल कितने होते हैं? टू. इसमें क्या होता है आपका, कंप्लीट क्लोजर होता है लेकिन सडन रिलीज होता है. सॉरी कंप्लीट क्लोजर स्लो रिलीज होता है. कंप्लीट क्लोजर एंड स्लो रिलीज होता है. स्लो रिलीज कैसे? जैसे चा आप देखेंगे चा चा. तो आप देखेंगे कंप्लीट क्लोजर तो लेकिन बहुत स्लो रिलीज होता है. कंप्लीट क्लोजर एंड स्लो रिलीज चा जा चा जा. अब इसके बाद नेजल पे आते हैं. नेजल आपके टोटल कितने होते हैं? थ्री होते हैं. इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका कंप्लीट क्लोजर होता है. जैसे म न अम 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 क्लोज हो रहा है तो इसमें कंप्लीट क्लोजर होता है आपका. ये तो ये म न अम. तो ये नेजल आपके कितने होते हैं? थ्री होते हैं. अब इसके बाद आते हैं आपके लेटरल पे. लेटरल आपका ओनली वन होता है. इसमें आपका क्या होता है लेटरल में ओनली आपका, इसमें आपका पार्शियल क्लोजर होता है. क्या होता है? पार्शियल क्लोजर. जैसे आप देखेंगे ला ल ल पार्शियल क्लोजर मतलब ज्यादा क्लोज नहीं होता. ल बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता. ये आपको होता है लेटर. आप इसके बाद आपके यहाँ पे फ्रिकेटिव आते हैं. हाँ ये आपके क्या होते हैं फ्रिकेटिव में आपका क्या होता है, ये आपके आर्टिकुलेट कैसे क्लोज आर्टिकुलेट होते हैं. क्लोज जैसे फ व ज द सा ज श शास हा. ये आपके क्या होते हैं क्लोज आर्टिकुलेट. और ये मैं आपके जो अप्रोक्स जिसमें आपका क्या होता है, इसमें आपकी फ्रिक्वेंसी जो होती है फ्रिक्शन ऑडिएबल होती है, जिसमें आपको जब आप बोलेंगे तो थोड़ा वाइब्रेट आपको लगेगा. जैसे श श ज ज
तो आपको वाइब्रेट हो रहा है ना, तो ये ऑडिबल वाइब्रेट होता है इसमें, विच फ्रैक्शन होता है, ऑडिबल फ्रैक्शन होता है, ये आपका फ्रिकेट कहलाती है। टोटल आपके कितने होते हैं? 9। अब इसके बाद आपका आता है अप्रोक्सीमेट्स, आता है अप्रोक्सीमेट्स, टोटल आपके कितने होते हैं? 3 होते हैं। इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका जो आर्टिकुलेशन होता है, आर्टिकुलेट करते हैं उसमें आपका, इसमें क्या आता है आपका क्लोज, इसमें आपका ओपन होता है। क्या होता है? ओपन, जैसे वा वा आ आ या 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 रा रा, जो ओपन हो रहा है रा या, इस तरह ये आपके, और ये आपके सेमी वोवेल्स भी कहलाते हैं। इस तरह से आपका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन हो गया। तो एक बार और देख लेते हैं, प्लोसिव, एफ्रिकेट, नेजल, लेटरल, फ्रिकेटिव और अप्रोक्सीमेट, ये आपके टोटल 44 साउंड्स होते हैं। तो इसमें आपको समझ में आ गया, इनको बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप बोल सकते हैं। तो ये आपका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन होता है यहाँ पे, फिनिश।